नूह में हुए तशद्दुद को लेकर पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। बिट्टू बजरंगी पर कई दफात में केस दर्ज किया गया है। वहीं 148 फसाद फैलाना, 149 गैर कानूनी इजलास और वहीं आईपीसी की धारा 332 पुलिस पर हमला। आईपीसी की धारा 353 जिसमें सरकारी मुलाजमीन को शदीद चोट पहुंचाना होता है, तो वहीं 186 पुलिस के काम में रुकावट डालना। वहीं आईपीसी की धारा 395 और 397 जबरन लूटपाट, आईपीसी की धारा 506 मुजरमीना धमकी और वहीं बिट्टू बजरंगी की और साथियों की तलाश लगातार जारी है। बजरंगी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके एक तबके के खिलाफ काबिले एतराज बातें कही थी। पुलिस ने कहा है कि जो भी नफरत तकरीर और सोशल मीडिया पर डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नू तशद्दुद जिसने फैलाया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि ना सिर्फ इसने भड़काऊ तरीके से सोशल मीडिया पर तकरीर दी बल्कि इसने दंगों को और हवा भी दी, जिसके चलते पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। नू में हुए तशद्दुद को लेकर पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। बिट्टू बजरंगी के दूसरे साथियों की तलाश लगातार जारी है। तो वहीं बजरंगी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके एक तबके के खिलाफ मुतनाजा बयान दिए थे। पुलिस ने कहा है कि जो भी इश्तियाल अंगेज तकरीर सोशल मीडिया पर डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के नूह में हुए तशद्दुद को भड़काने के मामले में नूह पुलिस ने मंगल को खुद को गौरक्षक बताने वाला और गौ रक्षा बजरंग बल के सदर बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। बजरंगी को फरीदाबाद की पर्वती कॉलोनी में वाकई उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बिट्टू को नूह जिले के तावड़ू थाने की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। 31 जुलाई को नलेश्वर शिव मंदिर में ASP उषा कुंडू के सामने बजरंगी ने हथियार लहराए थे। जब उषा कुंडू ने हथियारों को छीन लिया तो उसने पुलिस अफसर की गाड़ी के आगे एहतजाजी मुजाहरा किया था। इस पर ASP की शिकायत पर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बिट्टू बजरंगी को हिरासत में लेने की पूरी वारदात CCTV में दर्ज हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सादी वर्दी में पुलिस वाले किस तरह से घसीट कर बिट्टू बजरंगी को ले जा रहे हैं। दरअसल इल्जाम है कि बजरंगी ने सोशल मीडिया पर स्ट्रीम किए गए लाइव वीडियो में एक तबके के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तबसरे किए थे जिन्हें वायरल किया गया। साथ ही इश्तियाल अंगेज बयान भी दिए गए थे। इस वीडियो के बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए थे और 1 अगस्त को बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद के डबुआ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गयी थी। इसे लेकर सियासत भी तेज हो गयी थी। बिट्टू बजरंगी के इश्तियाल अंगेज वीडियो के बाद लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस अफसर से तनाजे के बाद से ही बजरंगी पुलिस की निगाह में आ गया था। पुलिस की शिकायत में अमन बिगाड़ने, यात्रा के दौरान तलवारें और त्रिशूल रखने, पुलिस के साथ हाथापाई और पुलिस ड्यूटी में रुकावट डालने जैसे कई संगीन इल्जाम लगाए गए थे। 31 जुलाई को नूह में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद फिरका वाराना फसादात भड़क उठे थे। फसादियों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके अलावा दुकानों में भी लूटपाट करके आग लगा दी गई। नूह तशद्दुद का असर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और पानीपत में भी पड़ा और तोड़फोड़ की वारदातें सामने आईं। इकतीस जुलाई को नूह में हुए तशद्दुद में 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 88 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। इस वारदात के बाद हजारों लोग नकले मकानी को मजबूर हो गए। इसी बीच इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात हटाने के नाम पर 100 से ज्यादा घरों को बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया था, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त एतराज किया था और इस कार्रवाई को गलत बताया था। फिलहाल बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद हिंदू तंजीमें हंगामा कर सकती हैं। नूह में जिस तरह से प्लानिंग के तहत साजिश करके तशद्दुद फैलाया गया, पथराव और आगजनी हुई, उससे कई और शहरों तक आंच पहुँच गयी। फिलहाल मेवात में अभी हालात मामूल पर है, पुलिस इंतजामिया भी अलर्ट पर है। आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।